इनको जो रेगुलाइजेशन करना है ना, वो खाली 855 बिल्डिंगों का नहीं करना है, इनको पूरे शहर का रेगुलाइजेशन करना है। लेकिन रेगुलाइजेशन में जो डीपी में आ रहे हैं, जो टाटा हाई टेंशन के नीचे है, जो नदी के साइड में हो, वो प्रॉपर्टी रेगुलाइज नहीं होगी। लेकिन रेगुलाइजेशन में ऐसा है कि अभी अगर हमारा झोपड़पट्टी में एक 200 फुट का घर है, उसको अगर हमको रेगुलाइज करना है, तो इनका आज का रेडी रेकनर के हिसाब से रेट है 18,300। उल्लासनगर में तीन रेट है, एक 18,300, 12,600 और 10,800। 10,800 जो रेट है वो पाँच नंबर में है, कि वो गावटान में आते हैं। अभी अगर एक दो तीन में रहने वाला झोपड़पट्टी वाला आदमी अगर अपना 200 फुट का घर रेगुलाइज करने जाता है, तो उसका प्रॉपर्टी होता है 200 स्क्वायर फीट, मतलब 18.59 मीटर्स इंटू 18,300, उसका होता है 3,40,197 रुपया। और उसके बाद में उसके ऊपर 20% का पेनल्टी, वो जगह रेगुलाइज होने के बाद उस जगह पे तुमने जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है उसको 20% पेनल्टी मांग रहे हैं लोग। तो इतना पैसा गरीब कहाँ से लाएगा? जो मोल मजूरी करता है, हाथ पे कमाता है, शाम को खाता है, वो कहाँ से लाएगा पैसा? इसके लिए हमने इनसे मांग की है कि जो 2005 के जितने पहली झोपड़पट्टी है उसको SRA लागू करो, उसका नोंदनी करो, और SRA में लाके उसका तुम ये उसको रेगुलाइज करके दे दो उनको। 2006 का रेडी रेकनर का जो रेट है 1600 और 2600 वो लागू करो, वो हमारे बस में है कि हम लोग उसका पेनल्टी भर सकते हैं। वो पेनल्टी नहीं है, वो दंड नहीं है, वो सरकारी ज़मीन हम लोग उससे खरीद रहे हैं, रेडी रेकनर का रेट दे के वो जगह हम लोग खरीद रहे हैं, उसको तुम फाइन या दंड नहीं बोल सकते। उसके बाद में रेगुलाइजर होने के बाद में तुम कम से कम दंड लो हमारे से, लेकिन 5% लो, 10% लो, उससे ज़्यादा तो हम लोग भी नहीं दे पाएंगे। इसका अगर तुमको तुम्हारी मानसिकता है इस शहर को रेगुलाइजर करना है, तो जो रूल है उसमें तुम कमतरता लाओ। सबसे पहले ये पूरा शहर, ये छोटा शहर नहीं है, ये महीना 60 दिन 30 दिन 45 दिन में ये लोग ये सब रेगुलाइज नहीं होने वाला है। इसको कम से कम 1 से 1.5 साल लगने वाला है। 1.5 साल का पीरियड दो, दो सिटी दो नगर रचना कर दो, सिटी सर्वे के 4 ऑफिसर्स दो, और इंजीनियर लोग की संख्या बढ़ाओ, और लोगों में जैसा तुमने रिक्शा घुमा के बोलो कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी रेगुलाइज हो रहा है तुम करके लो, उनको समझाओ कैसा होगा। जन जागृति ज़रूरी है। आज के तारीख में 80% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इधर रेगुलाइजेशन का क्या फंडा है। किसको लगता है 855 रेगुलाइज हो रहा है, किसको लगता है बिल्डिंग रेगुलाइज, झोपड़पट्टी वालों को कहाँ मालूम है मेरा प्रॉपर्टी रेगुलाइज होने वाला है? ये लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, इनको पहुँचना चाहिए। प्रशासन ने ये बहुत पहले करना चाहिए था। प्रशासन अभी 30 तारीख की डेडलाइन दे रहा है, और अभी जाके तुम लोग बैनर बिनर ये लगाएगा, तो पहले क्या कर रहा था प्रशासन? शाला जो ली गई उसमें कुछ लोक प्रतिनिधि, गिने चुने पत्रकार और इस शहर के गुने चुने सामाजिक संगठना के लोग थे, उनको समझाया, मतलब पूरे शहर को समझाया, ऐसा नहीं होता है, इसके लिए तुमको आखिरी आदमी तक जाना पड़ेगा, ये प्रोसीजर क्या है उनको समझानी पड़ेगी, उसके बाद में लोग इनमें इन्वॉल्व होंगे ना। तुम सोच रहे लोगों ने आना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहिए, पैसा भरना चाहिए, लोग भरेंगे, लेकिन उनको पहले समझना तो चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। आयुक्त को सामने हमारे 11 मुद्दे हमने रखे थे, आयुक्त उनसे पॉजिटिव थे, आयुक्त को लेकिन आयुक्त ने बोला कि हमने 50% रेट कर दिया है। भाई 50% बोलेगा तो 9,150 रुपये होते हैं, 9,150 रुपये भी बोलेगा तो 200 फुट का घर रिगलाइज करने के लिए 2.5 लाख रुपये मांगता है, कहाँ से लाएंगे? 2016 का जो रेट था 1600 2600 लागू करो, ऑटोमेटिक पब्लिक इधर बढ़ जाएगी। तुम अगर सही तरीके से ये सत्ताधारी प्रशासन ये सब करना चाहते तो इन्होंने गरीब के लिए भी कुछ करना चाहिए। 855 ये 855 का विषय नहीं है, और 855 का 2003 का जो पिटीशन था वो खारिज हो चुका है। अभी वो 2004 के पिटीशन पे लड़ाई चल रही है, जो 16 तारीख को उनका केस है। अभी 40 लोगों को इन लोगों ने नोटिस चिपका दिया है। अगर उन 40 लोग बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के पास अगर उनका घर रेगुलाइज करने के लिए पैसा नहीं है, तो ये लोग क्या उनको बेघर कर देंगे क्या? वासियों को हम लोग सब इकट्ठा आ जाओ, रेडी रेकनर का रेट कम करो, और जो हमारे ऊपर दाग लगाए रेगुलेशन अनलीगल उसको अगर ख़त्म करना है तो हमको सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जो प्रक्रिया रुकी हुई है, लोग 2006 में ये चालू हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ चंद लोगों ने उसका फ़ायदा ले लिया और बहुत से उल्लासनगरवासी उससे वंचित रह गए। उसका मेन कारण था कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कलेक्टर था, कलेक्टर अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं तो होता था, लेकिन उसके बाद उल्लासनगर के लिए ऐसा भ्रम तैयार किया गया, इसके लिए कोई भी कलेक्टर आया उसने ये साइड में रख दिया कि उधर कुछ गलत काम होते हैं।
एक आधा काम गलत होता है तो उसको रोकना या उसको जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई करना ये प्रशासन का काम रहता है, लेकिन पूरा के पूरा गलत काम होता है इसके लिए पूरा का पूरा रोक देना, इस तरीके का काम इसके पहले के कलेक्टर लोगों ने किया था। इसके लिए हमने बार बार मांग की थी कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी चेंज करो और जो प्रक्रिया है वो सरल सिंगल विंडो या रहना चाहिए, इसी तरह की पहले से मांग थी, लेकिन शासन ने देर से हमारी मांग सुनी और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कमिश्नर करके किया। लेकिन साथ ही साथ जो रेडी रिकनर है वो तभी जो 2005 का रेडी रिकनर था अभी का लेटेस्ट रेडी रिकनर का इसकी वजह से अभी तकलीफें आ रही है, तो कमिश्नर से हमने यही बात किया है, लेकिन ये कमिश्नर के हाथ में नहीं, इसके लिए हमको गवर्नमेंट के पास वापस जाना पड़ेगा। अभी नई गवर्नमेंट आई है तो हम उसको रेडी रिकनर कम करके लाएंगे, लेकिन मैं सभी शहरवासियों को विनंती है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। हमारे उल्लासनगर को रेगुलराइज करने का 2006 में जो GR निकला था पूरे भारतवर्ष में पहली बार हुआ है और उसका फ़ायदा हम लोगों ने लेना चाहिए। अगर पेनल्टी कम है या ज़्यादा है, लेकिन अगर हम रेगुलराइज नहीं करेंगे तो उसका सीरियसनेस निकल जाता है, फिर कोई भी गवर्नमेंट हमारी तरफ देखेगी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए, आप फ़ायदा ले लीजिए। उसमें जो रेडी रिकनर है हम कम करने की कोशिश कर रहे, साथ ही साथ जो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी, और जो प्रपोजल बनाना मतलब आर्किटेक्चर के पास, और उसकी वजह से आर्किटेक्चर को फीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो कमिश्नर को हमने बताया कि इसकी वजह से गरीब लोग नहीं कर पा रहे या जिन्हें लोग नहीं कर पा रहे, जो प्रोफेशनल से जो कमर्शियल से वो लोग करेंगे खर्चा करेंगे, तो कमिश्नर साहब ने पॉजिटिवली इसके ऊपर ये किया। और जो लिमिटेड आर्किटेक्चर्स है उनके लाइसेंस ज़्यादा जो BE CIVIL है और जो रेट है जो आर्किटेक्चर अपनी मनमानी के हिसाब से 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से लगा देते, कुछ कम से कम मिनिमम रेट्स के ऊपर 1 रुपया 2 रुपया इसके हिसाब से, तो जो प्रपोजल बनाने के लिए ऑनलाइन सबमिशन के लिए या डिज़ाइन करने के लिए जो ज़्यादा खर्चा आता था वो मिनिमम करने का कोशिश हमने उनको बताया, उसके हिसाब से उन्होंने कार्रवाई भी की है। बाकी रही स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो उसके लिए भी आसान तरीका क्या क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे रेगुलराइज कर सकते, इस तरीके की मांग हमने की है। लगभग उस तरीके के ऊपर कमिश्नर कार्रवाई भी कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं सभी शहरवासियों को विनंती करता हूँ कि इस चीज़ का, इस GR का फ़ायदा ले लीजिए, ये संधि बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ उल्लासनगर वासियों को ही संधि मिला है, बाकी किसी को भी नहीं। बाकी पेनल्टीज और ये हम कम से कम करेंगे, लेकिन अभी हम हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठेंगे तो ये GR कोई गवर्नमेंट लेवल पे हमको आगे चल के हेल्प नहीं करेंगे। इसके विनंती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन भर दीजिए।